अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? किधर हमारे देखने वाले ठीक ठाक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सबको ठीक ठाक रखें, खुश और आबाद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं आपकी दुआओं से। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ इस टाइम। अब मैंने मशीन लगाई है, आप देख सकते हैं इस टाइम हमारी मशीन चली है, अभी लाइट आई है इस टाइम। अब मैं एक साइड में सारे अपने कपड़े जमा कर रही हूँ, कपड़े सीधे करके रखे हैं। इधर देख सकते हैं सारा अभी कमरा फैला पड़ा हुआ है, यहाँ नीचे भी कपड़े पड़े हुए मेरे। ऐसा ऐसा करूँगी क्योंकि लाइट आई है ना, लाइट आती है उसके बाद स्टार्ट करते हैं। और लेकिन मशीन भी मेरी आज तंग कर रही है, बार बार रुकी जा रही है। दुआ करें सही सलामत मेरे कपड़े धुल जाएं यूट्यूब फैमिली। और अभी बाहर बर्तन वगैरह भी सब जमा हुए हैं, ये देखें मेरे सब बर्तन भी जमा हुए हैं। एक साइड पर मैंने बर्तन जमा कर दिए, अभी चूल्हा भी साफ़ करना है। चूल्हा साफ़ करके फिर बर्तनों की तरफ आऊँगी। बाहर भी सब कपड़े रखे हुए, भी यहाँ पे भी सीधे करके रखे हैं सब कपड़े मैंने। ये रमज़ान के कपड़े भी, मोज़े वगैरह सब सीधे करने। बस अब मशीन लग गई है, ऐसे ऐसे सारे घर का काम होता रहेगा। और यूट्यूब फैमिली आप सब कैसे हैं? ठीक है, मेरे घर का काम तो स्टार्ट कर दिया, फिर मशीन लगा रही हूँ आपको मैंने जैसे दिखाया है अभी। और अभी मैं बैठी थी लाइट का इंतज़ार कर रही थी, लाइट जैसे ही जैसी मैंने मशीन लगाई है। और आज ठंड भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, सर में बहुत दर्द सा महसूस हो रहा है, तो मैंने कहा चले टोपा पहन लेते हैं। और स्वेटर भी पहना हुआ है, देखें मैंने स्वेटर भी पहना हुआ है। आज जो आके अपने कराची में ठंड पड़ रही है, लेकिन ना सबको लग रही होगी। और हम लोग तो जल्दी उठते हैं ना, तो इसलिए मेरे को जल्दी ज़्यादा सर्दी लगती है। सुबह पैर इतनी ठंडे हैं और कपड़े भी धोना ज़रूरी है, लाइबर है कपड़े हम नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा। तो ये कि जल्दी फटाफट से ना, मेरे कपड़े तकरीबन एक घंटे में धुल जाते हैं सारे। मशीन में मैं ज़्यादा देर निकालती, जल्दी जल्दी कपड़े निकालती हूँ। फटाफट चलो भाई, फटाफट धो, फटाफट घुमा लो, फटाफट खिलाओ। चले हम अपने अभी कपड़े धोते हैं। अभी मैं इस टाइम बर्तन धोने आ चुकी हूँ, मशीन हमारी चल रही है, लगे पहले बर्तन धो लेते हैं। ऊपर ऊपर के काम साथ साथ हो जाएगा, फिर इजी हो जाएगा, फिर फटाफट अपने कपड़े धुला लेंगे। पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। फैमिली मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं तकरीबन माशाल्लाह से। अब मैं छत पे कपड़े खिलाने आई हूँ, और छत पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, धूप आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। अंदर तो आज तो कपड़े धोने में बहुत ठंड लग रही है, एक घंटा भी नहीं लगा मेरे कपड़े धुल गए। बस मेरी मशीन तंग कर रही थी, मशीन ही तंग करती ना तो मेरे कपड़े सारे धुल चुके होते। देसी है आज आटा लेना है, नहीं घर से ला दो, 5 रुपए ला के रख। आज यूट्यूब फैमिली हम बना रहे हैं सेम आलू। और देखिए मैं प्याज, एक आधी प्याज मैंने ली थी, ब्राउन हो चुकी है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे सब्जी है ना। मैंने मसाला ले लिया, टमाटर है, हरी मिर्च है। Thank you.
मसाला भून जाए फिर हम सब्जी डालेंगे। मसाला देखिए हमारा भून चुका है, अब हम इसमें सब्जी डालेंगे। ये देखिए मसाला इस तरह जब हो जाए तो फिर सब्जी डालेंगे। सेम आलू मसाले में देखिए बस तैयार हो जाएगा। अगर आलू मेरे को थोड़े गला लेंगे तो थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बीज भी गल जाए। जैसे ही जैसे सब्जी तैयार होती है फिर आपको दिखा। देखिए हमारे सेम आलू तैयार हो चुके हैं, बस मैंने इनको दम पे रखा हुआ है। थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, बीज कम निकले थे इसलिए कम नज़र आ रहे होंगे। अब मैं इनको दम पे रखूंगी। मेरे बच्चे सो के उठ गए आप? मेरी बेटी देखो सो रही थी, सब खैरियत से सब ठीक ठाक है। मैं अभी 6:30 बजे आया हूँ। मेरी चोट देखे, मेरी उंगली फट चुकी है, अभी 3-4 दिन लगेंगे ये सेट हो जाएगी। दरवाजा गिर गया था हमारे ऊपर, ये खैरियत अल्लाह ताला का खैर बच बचा हो गई है। अभी गलती से हमने दरवाजा खोल लिया था। कल टाके खुलेंगे ना? कल खुलेंगे। कल टाके खुलेंगे। हमारी बेटी की भी माशाल्लाह से तबीयत बेहतर है ना। आप खड़ी तो YouTube फैमिली अपनी जैकेट तो दिखाओ, खड़ी भाई देखे नवान दिखाया इनकी ना, देखो कहाँ कौन से लुटने से लाई हो माशाल्लाह से। देखे YouTube फैमिली आपको कितना अच्छी लग रही होगी हमारी बेटी ना, इनकी नई जर्सी है कि आज ना जायबा थी पहनती नहीं है, अब इन्होंने बड़ी वो है कि मेरे को पहनाओ, चल अच्छी लगेगी ना है, मेरे नु प्यारी लगेगी ना है ना। बैठ जाओ, बैठो। और आज 11 तारीख थी, मुझे पता नहीं था भाई शिन्नी बट रही, फिर मैंने शिन्नी बाटी बच्चों को। तुम्हारा आप अपनी भी शिन्नी ले लेना आप, सही है? आपकी भी शिन्नी रखी है। जी YouTube फैमिली, मैं सब काम से फारिग हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का सब काम हो चुका है, बस अब सिर्फ आटा गूंथ के रखा है, रोटी बनानी है। पहले आपको बताया था कपड़े धो रही थी, कपड़े धुल गए थे, फिर पानी वाला है, पानी भरा। आज ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा, पानी वाला भरा जल्दी आ गया था, वरना उसके चक्कर में मुझे बहुत टाइम हो जाता है, 3 भी बच जाते हैं। लेकिन आज वो टाइम से आ चुके थे। ये कि साथ साथ पानी भी भर गया, कपड़े भी तेज हो गए और सालन भी चढ़ा दिया है, दम पे रखा हुआ है। बस अब रोटी बनाएंगे और बस इसके बाद मैं फारिग। अब मैं शाम की चाय बनाऊंगी जब रमजान आ जाएंगे। और कल हमारे रमजान के हाथ में चोट भी लग गई थी और मुझे इतनी फिक्र लग रही है आज कैसे वो उन्होंने सारा दिन काम करा होगा। ज़ाहिर हाथ में उंगली में काम लगते थे, बिजली का काम करते हैं, और वो भी मैंने तो उनसे बोला था अब छुट्टी कर लो, कह रहे नहीं छुट्टी नहीं कर सकते, ये कि थोड़ा बेट उठ जाएंगे, थोड़ा हल्का फुल्का सा काम कर लेंगे। मैंने कहा चले सही है, आराम से काम करिएगा, बस अल्लाह ने बचा लिया। और सर्दी की चोट आपको पता कितनी तकलीफ देती है, रात भर दर्द में हो रहे थे, कह रहे बहुत दर्द हो रहा है मेरा। मैंने कहा चले सही हो जाएगा, तकलीफ तो होगी, अब ज़ाहिर बात है चोट लगी है। चलिए YouTube फैमिली, आप इसके साथ आलिया को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान।